और फिर दीक्षा कब होगी? दीक्षा 16-17 साल पहले। रामकृष्ण मिशन फिर वही मैं मंत्र लेकर पढ़ा हूँ। बराबर ऐसा कोई अनुभव है साधना का, चमत्कारिक अनुभव? कुछ ना कुछ तो होगा ही। ऐसा तो बहुत सारे हैं। जैसे कभी कभी जब मैं, ये कोई रेगुलर नहीं होता, कभी कभी मैं जब सोता हूँ तो लगता है कि मतलब ऊपर मतलब अंडा जैसे एक पूरा ठंडा व्हाइट लाइट का एक मतलब बॉल है, मैं उसके बीच में सोया हुआ हूँ, मेरे चारों तरफ घिर के वो है, शरीर बहुत ठंडा हो जाते उस समय। मेरा मतलब मेरा का गुप्त किसी का भी शरीर पात भी हो सकते है, इतना ठंडा हो जाता है, नार भी इतना शिथिल हो जाते हैं। तो प्राण निकलना बोलते हो? वही पता नहीं, बराबर ना, क्योंकि ये तो मेरा अभी तक मेरा रेगुलर एक्सपीरियंस में नहीं आया, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। हो सकता है, क्या बताओ। ये है कभी कभी मतलब जब मैं बैठ कर ये होता है कि जैसे मतलब ये पृथ्वी पृथ्वी कुछ नहीं रहता, मैं मतलब ब्रह्मांड का अंदर बैठा हूँ, और मतलब शरीर तो नहीं लेकिन मैं इतना मतलब बड़ा हो गया हूँ कि पूरा ब्रह्मांड मेरा सामने है, मतलब पूरा गैलेक्सी मेरा सामने इतना जैसे है। तो गले से चोट लगता है, मतलब ब्रह्मांड का बहुत सारे हिस्सा जोड़ के मैं बैठा हूँ। साधना चीज ही ऐसी है तो क्या, इसका कोई अंत तो नहीं है ना, आप जितना आगे बढ़ोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। और आगे जाके क्या होगा? शिवरूप? वो ऐसे ही बोलते ना, शिव स्वरूप होना है। देखिए जिसका जो ये जैसे जो ये है भक्ति मार्ग के साधक है वो शिव स्वरूप नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम हमेशा विष्णु भगवान जी का ही दास बन के रहे, उनके लिए दास बनना ही सब कुछ है। सब कुछ है, बराबर ठीक है, दास हम, मैं दास हूँ। और जो वैदांतिक सन्यासी है उनके विचार अलग है, वो बोलते हैं अहम देवो न चन्नहस्मि ब्रह्म वाहन न शोको भाग सच्चिदानंद रूपो हम नित्य मुक्त स्वभावान, मैं ही सब कुछ हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, वही अहम ब्रह्मास्मि, बराबर अहम देवो न चन्नहस्मि, मैं ही देवता हूँ, उसके छोड़ के और कुछ नहीं है। अहम देवो न चन्नहस्मि ब्रह्म वाहन न शोको भाग, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरा कोई शोक दुख कुछ नहीं है, सच्चिदानंद रूपो हम नित्य मुक्त स्वभाव, बराबर है, बराबर मैं हमेशा के लिए मुक्त हूँ। ये जो बंधन ये सिर्फ मन का ही एक भ्रम है, मैं तो हमेशा से ही मुक्त था हूँ रहूँगा। और मन की भी इतना और एक साधारण क्वेश्चन है, अगर हमें ये पता है ना कि ये सब मोह माया है, वो है सब है, तो ईश्वर ने हमें जन्म दिया ही क्यों फिर? पहला बात तो यही है कि देखिए जी हम आप जो बोल रहे हो ये हम बोल के तो कुछ चीज़ है ही नहीं, क्योंकि अगर तुम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी देखोगे तो हम लोग हम बोलते, पहला बात है कि ये शरीर भी तो मैं नहीं हूँ, ये तो पंचभूत से बना हुआ है, तो हम बोल ही नहीं रहे अभी, तो इसीलिए मैं तो शरीर नहीं हूँ, क्योंकि वेद भी ऐसा बोला है कि मेरा कोई शुरुआत नहीं है कोई अंत नहीं है। वही तो, ठीक है, किया ही क्यों, वाय खेल है। हाँ वही तो, ये है महामाया का खेल। ऐसा बोलते हैं इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, सब प्रश्न के उत्तर मिल सकते हैं लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि ये खेल है। खेल का तो जैसे भला हम लोग देखते हैं कि एक भला लोग एक बुरे लोग, मतलब भला लोगों को बुरे लोग ये सताते हैं, ठीक है। मान लो आप टेबल के ऊपर अपना दो हाथ ऐसे रख दिए हो और सामने एक पर्दा गिरा हुआ है, फिर आप एक हाथ से दूसरे हाथ को मार रहे हो,
उस तरफ से देखने वाला सोचेगा अरे ये हाथ कितना बुरा है, ये हाथ तो कुछ नहीं कर रहे सिर्फ इसको पीट रहा है। लेकिन आपका दृष्टिकोण से तो दोनों ही एक है, दोनों ही तो आप ही का अंश है। जो भला है वो भी महामाया का ही ये है, रिप्रेजेंटेटिव है, महामाया का ही एक अंश है। जो बुरा है वो भी तो महामाया का ही एक अंश है, उसके छोड़कर तो कुछ नहीं है। आपका एक हाथ दूसरे हाथ को पीट रहा है, आपके लिए दोनों ही बराबर है। बाहर से देखने वाले के लिए अलग सा हो सकते हैं, तो ऐसा ही बात है। इसीलिए ना तो भला ना तो बुरा, इसीलिए तो बोला जाता है ना कि जो ब्रह्म है वो निर्विकार निर्विकल्प है, उसके ऊपर कुछ भी ऊपर और कुछ भी ऊपर उसके ऊपर इफेक्ट भी नहीं करते। वो सिर्फ दृष्टा है, सब कुछ देखता है, साक्षी स्वरूप बैठा है उसके ऊपर कुछ भी, क्योंकि सब कुछ तो वो ही है। वैसे शरीर से आप और मैं अलग सा हूँ, लेकिन अगर आत्मा का विचार करें तो एक ही है, एक ही है। क्योंकि आपका जो आत्मा है वो एक परमात्मा का एक ड्रॉप है, मेरा अंदर जो आत्मा है वो भी तो परमात्मा का ही एक ड्रॉप है, और दोनों एक ही, मतलब क्या बोले, दोनों एक ही लोटा से आया है, और उस लोटे के अंदर पानी तो एक ही है, आपके अंदर एक बूंद, मेरे अंदर एक बूंद, पानी वही है, पानी तो वही एक ही है। सिर्फ आपका जो ये है बॉटली है वो देखने में मेरे मुझसे थोड़ा अलग है। बराबर है, फर्क तो सिर्फ इतना ही, और क्या है, कुछ नहीं है। जिस दिन हम आप ये समझ लेंगे उस दिन और कुछ का जरूरत नहीं है।